कहन राज को कर नमन करु महान यह काज आत्म ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साज मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूते होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतींद्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतींद्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही यह प्रतीति होती है कि निरंतर ज्ञान का जानना 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 ऐसा यह परिणमन ज्ञान के परिणमन में भी जो अपरिणमित ऐसा जो चैतन्य स्वभाव चैतन्य स्वभाव साधन से भगवान आत्मा को ग्रहण किया, आत्मानुभूति होते ही यह प्रतीति होती है कि जहां जहां ज्ञान का विस्तार है बस वही मेरा फैलना है, वही मेरा विस्तार है, वही मेरी सत्ता है। ज्ञान ही मेरी पहचान है, ज्ञान के अतिरिक्त मैं इस जगत में कहीं पर भी नहीं हूं। ज्ञान के अतिरिक्त जगत के किसी भी पर पदार्थों में मैं कहीं भी नहीं हूं। ये पर पदार्थों के अधीन मैं नहीं हूं, पर पदार्थों का गुलाम मैं नहीं हूं। ज्ञानी को यह जागृति रहती है। यदि ज्ञानी पर पदार्थों के अधीन नहीं है तो फिर ये राख की दीवार, ये शरीर, इस शरीर की गुलामी क्यों करनी पड़ रही है, इस शरीर का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है, ये बोलने के लिए कि मैं चैतन्य तत्व हूं। ज्ञानी को जिस समय शरीर से यह आवाज निकलती है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, तब भी यह जागृति है कि मैं गुलाम नहीं,
क्योंकि ये बोलने का कार्य और बोलने का विकल्प ये सब त्रिकाल चैतन्य सत्ता में कहीं भी नहीं, ऐसी यथार्थ प्रतीति सदाकाल बनी रहती है। बस वही ज्ञानी का लक्षण है। लक्षण से पहचान हुई, लक्षण से भेद जाना, लक्षण से स्वरूप की अनुभूति हुई, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य के उपवन में रागादि विकल्पों के कांटे निकल आए, मगर ये जागृति है कि ये कांटे फूल का अंग नहीं, यह जागृति है। यह जागृति ज्ञानी को प्रति समय है कि मैं ज्ञान दर्पण त्रिकाल सत्ता स्वरूप, त्रिकाल सत्ता स्वरूप ज्ञान दर्पण में कांटे का प्रवेश कैसे हो सकता है? मुनिराज के पैरों में जूते चप्पल नहीं होते, कांटे चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, फिर भी अलिप्त दशा है। बस इसी बल पर, जैसे एक पुतला हो और पुतले में कांटा चुभा, पुतले में कांटा चुभा और सामने दर्पण है और दर्पण में यह प्रतिबिंब पड़ा कि पुतले में कांटा चुभा। जब पुतले में कांटा चुभता है तब दर्पण में खरोच भी नहीं आती, प्रतिबिंब तो पड़ता है कि पुतले में कांटा चुभा है मगर दर्पण में कोई खरोच नहीं। ऐसी ही मुनिराजों को जागृति है कि शरीर नाम के इस पुतले में, इस राग की दीवार के पुतले में कांटे चुभे, मगर यह जागृति है कि ज्ञान दर्पण में कांटा चुभा नहीं, ज्ञान दर्पण में यह प्रतिबिंब पड़ा कि पुतले में कांटा चुभा। यह जागृति मुनिराजों को भावलिंगी संतों की अपूर्व दशा, अपूर्व अवसर ये वो क्या रे, अवश्य अवश्य निकट काल में ही आएगा। भावलिंगी संत की वह दशा प्रति समय जागृत, ये तो तुम्हें कहने के लिए कि पुतले में कांटा चुभता है, तब यह जागृति की दर्पण में कहीं पर भी कांटा नहीं चुभा। खास बात तो यह है कि राग और द्वेष के विकल्प के कांटे, ये विकल्प के कांटे भी ज्ञान दर्पण में कहीं पर भी नहीं चुभते, यह जागृति रहती है। चार हाथ जमीन देखकर चलने का विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है, नीचे देखकर नहीं चलते, ऐसा नहीं, नीचे देखकर चलते हैं, चार हाथ जमीन देखकर चलते हैं, जीवों की रक्षा करने का विकल्प, ये विकल्प का कांटा ज्ञान दर्पण में कहीं पर भी नहीं चुभा। ऐसी जागृति भावलिंगी संत को विकल्प के कांटे, विकल्प के कांटे हो, ऐसी अपूर्व दशा। ताड़ के पान पर आचार्य कुंदकुंद देव, ताड़ के पान पर शास्त्र लिखते हैं ना, सुना है ना, ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से छेद करके ब्रेल लिपि की तरह, अंधलिपि की ऐसी छेद करके वो कांटे चुभते हथेली में। तुमने ये सब बहुत बार सुना कि कांटे हथेली में चुभते हैं, कांटे हथेली में चुभते हैं, ये तो बाहर के कांटे की बात हुई,
ये समय सार लिखने का जो विकल्प का काटा, ये विकल्प का काटा, ये तो बाहर का काटा था, वो जो लकड़ी का काटा वो तो बाहर का काटा, वो जो विकल्प का काटा, ओ हो, ये काटा जब लकड़ी का काटा हाथ में चुभा, खून निकला, मुझे नहीं चुभा, वो तो बाहर की बात हो गई, मगर समय सार लिखने का ये विकल्प का काटा ये सा निकला, और विकल्प का काटा जिस ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, एक समय की ज्ञान की अवस्था, हो ये अवस्था एक समय की, ऐसा जैसे कुर्सी अभी यहां है ना, ऐसे समझने के लिए 8 बजे कुर्सी सामने है और 8 बजे यहां दर्पण में एक अवस्था तैयार हुई कुर्सी जैसी, तो वो जो अवस्था है ना वो दर्पण की, वो 8 बजे की अवस्था, वो 9 बजे वो अवस्था नहीं रहेगी, ऐसी कुर्सी जैसी जो अवस्था है वो भी 8 बजे ही है, 9 बजे नहीं रहेगी, वो 7 बजे नहीं थी, वो तो घंटे के हिसाब से समझने के लिए, बाकी एक समय पहले और एक समय बाद में नहीं थी, एक समय की पर्याय है ये। तो जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है ये विकल्प, और विकल्प आचार्य कुंद कुंद देव की ज्ञान की एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ है, और एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने वाला ये विकल्प का काटा, वो एक समय की ज्ञान की पर्याय का परिणाम है, वो विकल्प का नहीं है, वो जो जानने का कार्य हुआ ना कि समय सार लिखने का विकल्प, ये जो जानने का जो कार्य हुआ वो ज्ञान का परिणाम है, वो विकल्प का परिणाम नहीं है, और वो जो राग का विकल्प समय सार लिखने का, एक समय का राग का विकल्प, ये राग का विकल्प वो एक समय की ज्ञान की पर्याय में कहीं पर भी नहीं है, एक समय की ज्ञान की पर्याय में भी वो विकल्प कहीं पर भी नहीं है, एक समय की ज्ञान की पर्याय में ज्ञान है, जब एक समय की ज्ञान की पर्याय में समय सार लिखने का विकल्प नहीं, तो आचार्य कुनकुन देव स्वयं को क्या मानते, एक समय की ज्ञान की पर्याय नहीं, अनादि अनंत कर रहने वाला वो जो ज्ञान, उसमें कहां विकल्प का काटा जाएगा, एक समय की पर्याय में नहीं गया, जिस समय की ज्ञान की पर्याय में विकल्प का काटा प्रतिबिंबित होता है, उस एक समय की पर्याय में विकल्प का काटा नहीं गया, तो अनादि अनंत जो द्रव्य है उसमें तो प्रतिबिंबित भी नहीं होता, अनादि अनंत द्रव्य में, तो अनादि अनंत द्रव्य में जो विकल्प का काटा प्रतिबिंबित ही नहीं होता, ज्ञानी ऐसा कैसे मानेंगे कि वो विकल्प मेरे में आया, क्योंकि अनुभूति हुई ना एक समय की अनुभूति, वो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति का ये बल है, ऐसा ये निर्विकल्प अनुभूति का बल है, इसलिए हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मैं आपसे कहता हूं एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, ये एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हो, ये ज्ञान दर्पण का दर्शन हो, ज्ञान दर्पण का दर्शन, ये सब बातें तो झूठी बातें, सब कहने की बातें थी, वो तब समझो सुना ना कौ छुए बधु भगवान त्रैतन्य मुनिराजों की ऐसी दशा है, कैसा कैसा वैराग्य जब आता है तो वैराग्य आता है, दर्पण था ना, दर्पण में एक सफेद बाल को देखा, दर्पण में एक सफेद बाल को देखा और वैराग्य आ गया, मुनि हो गए, एक सफेद बाल को देखा कि ये बस बुढ़ापा आ गया, आइए सब सुना है ना कि एक सफेद बाल को देखा कि वैराग्य आ गया, दर्पण में एक सफेद बाल को देखा कि वैराग्य आ गया, और अज्ञानी पूरे के पूरे सफेद आए तो वो डाई करता है कि वैराग्य कभी गलती से नहीं आ जाए, ये सब सुना है, कभी भूल से भी वैराग्य ना आ जाए, तो एक सफेद बाल को देखा और वैराग्य आ गया और मुनि हो गए, ये बात झूठी है, ये रहस्य समझो, अभी तो दर्पण में एक सफेद बाल को देख करके वैराग्य नहीं आया था, ज्ञान दर्पण में एक त्रिकाली को देख करके वैराग्य आया था, ये तो बाहर की बात थी,
दर्पण में एक सफेद बाल दुनिया वालों को सबको नहीं दिखता, क्यों वैराग्य नहीं आता? वो ज्ञान का जो दर्पण है, बाहर का दर्पण नहीं, ये दर्पण हो, दर्पण 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 गिन लेना कितनी बार होगा दर्पण 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 ज्ञान दर्पण में एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का दर्शन हुआ और वन विहारी हुए और वो ऐसा अंतर में और एक दर्पण का स्वरूप ऐसा है, दर्पण का स्वरूप ये ज्ञान दर्पण सहस्त्री। ये मैं तो भावना पाता हूं, एक एक रहस्य अब आपके सामने यहां पर खुले, मगर नहीं होगा, समय कम पड़ेगा, हमेशा कम पड़ा है और कम पड़ेगा। दर्पण भावलिंगी संत को ज्ञान दर्पण में देख करके ऐसा वैराग्य आया कि वैराग्य आया, उसका भाव क्या कि उतने इतने अंशों में वितरागता प्रकट हुई। ये समझना, जो दर्पण है वो दर्पण में सामने वो एक सफेद बाल दिखाई दिया तो परज्ञ ही है ना, दर्पण भी परज्ञ ही है, सफेद बाल भी परज्ञ ही है, और परज्ञ को देख करके राग का द्वेष का अभाव होता है, पर को देख करके अभाव होता है, पर को देख करके अभाव होता तो अपने में देखने की जरूरत क्या थी? वो असली कारण जो है ना, असली कारण समझना, ये इसलिए कि तुम्हारे अंतर में ऐसा ये घुलमिल जाए, ऐसा घुलमिल जाए कि जब बुढ़ापा आए, मरने की तैयारी आए ना, तब तुम दर्पण में न देखो, तुम एक ज्ञान दर्पण में देखो, ऐसा दर्पण की ओर, ऐसा दर्पण की ओर नहीं। ऐसा मैंने सुना है, सुना है, देखा है, शादी के लिए जाते ना, रमणी का वरण करने के लिए जाते हैं, इसमें क्या रमणी का वरण करने के लिए जाते हैं, वो वर राजा होता है ना, वर राजा रमणी का वरण करने के लिए जाता है, तो सबसे पहले वो दर्पण में चेहरा देख लेता है, ऐसा मोड़ू जो है ना भाई तारू के ऊपर, तो जैसे वो रमणी का वरण करने जाता है तो दर्पण में अपना चेहरा देख के जाता है, ऐसे ही कोई आत्मा शिव रमणी मोक्ष रूपी रमणी का वरण करने जाता है तो ज्ञान दर्पण में अपना रूप देख करके जाता है। आ तो थोड़ा दिवस ना मेहमान छे ओ भगवान, तमे आवजो जल्दी जल्दी, हवे तमने कहू छू ने, आ शिव रमणी नो रमणार, एक शिव रमणी मोक्ष रूपी रमणी, एक शिव रमणी चैतन्य कहु बधु, तमे छो आखा सूक्ष्म रहस्य, आमा बहु सूक्ष्म रहस्य भरेला छे के कोई कोई दूसरा कोई कारणभूत नहीं, अपने को देखा, काय कुछ भी हो ने, तेरा चेहरा दर्पण में देख के आ जा, किसी लड़की को बोला तुझसे शादी करनी है, तेरा चेहरा दर्पण में देख के आ, तेरा चेहरा दर्पण में देख के आ, गुरु को कहा कि मुझे मोक्ष रूपी रमणी चाहिए, मुझे मोक्ष रूपी रमणी चाहिए, तेरा रूप ज्ञान दर्पण में देख ले जा, और ज्ञान दर्पण में रूप को देखा तो क्या कि अब वो शिव रमणी चाहिए नहीं, मैं त्रिकाली मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा ये देख लिया, फिर एक समय की पर्याय में रुचि रहेगी किसको, क्योंकि जब अंतर में ज्ञान दर्पण में देखा ना तो त्रिकाल मुक्त चैतन्य तत्व का दर्शन हुआ, फिर वो एक समय विराट सागर को पाया, फिर वो एक बूंद में कौन अटकेगा, ऐसा एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हो, ये तो नया जीवन जीवन शुरू होगा ऐसा तुम्हारा। अज्ञानी के बारे में ये कहना बहुत आसान है, कल वो क्या करेगा, अज्ञानी के बारे में आसान हो, वैसे अज्ञानी के बारे में आसान है,
लोग कहते हैं ना अज्ञानियों का ठिकाना नहीं रहता, अज्ञानियों का अज्ञानी ठेकाणु नहीं, क्यारेक आम क्यारेक आम क्यारेक आम, ज्ञानी नु बधुं काम आवुं पाक्कुं होय, बिल्कुल पंक्चुअल, आम एटले आम ज, आम एटले आम ज, ज्ञानी का सब पक्का होता है, अज्ञानी का ठिकाना नहीं। अज्ञानी कहे 8 बजे प्रवचन चालू करूंगा, 9 भी बजेंगे 8:30 भी बजेंगे, ज्ञानी का पक्का 8 बजे माने 8 बजे, अज्ञानी का ठिकाना नहीं, ज्ञानी का सब पक्का। बात उल्टी है, अज्ञानी का पक्का है, ज्ञानी का कुछ ठिकाना नहीं, अज्ञानी का पक्का है कल वो घर में ही होगा, ज्ञानी का पता नहीं आज घर में कल वन में। ज्ञानी के बारे में कहना मुश्किल है भगवान, अब वो समय आ गया। हाँ, ज्ञान दर्पण हो आखो घन, एनी अंदर छे ने जेवी ते दर्पण होय ने, दर्पण मां करचलियो न पड़े, जुरिया दर्पण मां न पड़े, आम कपड़ा होय ने तो एमां पड़ी जाए, करचलियो पड़े, दर्पण में जुरिया नहीं पड़ती, ऐसा दर्पण, ये ज्ञान दर्पण में कभी जुरिया नहीं पड़ती। जब भी दर्पण में देखो ने, और चेहरे में हम चेहरा में हम करचलियो पड़ेली हुई देखे ना, गड़पण आयो तो तरत याद करवानो, दर्पण में करचलियो ना होय तो ज्ञान दर्पण में करचली क्या होय, हूँ ज्ञान दर्पण। बात पूरी थी जाए त्याज, बद्दु आखो जेटलो पण विकल्पो चालशे ने, एक 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 वस्तु अभी तो कहना है बहुत, मगर ज्ञान दीपक एक 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 दृष्टांत जो इसमें दिया है ना, ज्ञान दर्पण सहस्त्री, उसमें रहस्य है ये सब। पूज्य गुरुदेव श्रीकांत जी स्वामी, ये जो गहरा रहस्य है ना, वो रहस्य शास्त्र में से है, ये लिए इसको थोड़ा समझना। जिस प्रकार नीला हरा और पीला आदि वर्ण रूप भाव मोर के स्वयं के स्वभाव होने से मोर के द्वारा ही भाए जाते हैं, मोर में ही पाए जाते हैं, अतः वे मोर ही है। ये अब पहली बात, ये सब मोर की बात बता रहे, ये जितने भी रंग रूप वो जो है ना, वो सब मोर की अवस्था, मोर का स्वभाव, इसलिए मोर के ही द्वारा वो भाए गए हैं और मोर में ही पाए गए हैं, इसलिए वे मोर ही है। किंतु अब यहां दर्पण, दर्पण में प्रतिबिंबित होने से, ये अब देखना ये स्वरूप कैसा है, ये स्वरूप को समझने जैसा है। दर्पण में प्रतिबिंबित रूप से दिखाई देने वाले ये यहां नीले हरे पीले आदि वर्ण रूप भाव दर्पण की स्वच्छता के विकार भाव से दर्पण द्वारा भाए जाने से, दर्पण में ही पाए जाने से, दर्पण ही है मोर नहीं। ये किसने तैयार की अवस्था, ये दर्पण ने भाई है, ये अवस्था दर्पण ने पाई गई है, दर्पण ने पाई गई है, दर्पण ने खुद ये अवस्था तैयार की। यह परिणमति स करता, वो स्वयं परिणमित हुआ ना दर्पण, उसमें उस अवस्था के बारे में ये बता रहे, और वो दर्पण का स्वभाव ऐसा स्वच्छता, स्वच्छता ये स्वभाव, मलिनता मलिनता मलिनता, वो तो मलिनता की रुचि के कारण तुम्हें मलिनता 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 दिखाई देती है। रंगीन कपड़े सफेद कपड़े, रंगीन कपड़े और सफेद कपड़े, कौन से कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं, सफेद नहीं, दोनों एक से ही गंदे होंगे, सफेद पर ज्यादा मैल नहीं आएगा, रंगीन पर थोड़ा रुकेगा, नहीं नहीं ये रंगीन है नहीं चिपकता हूं,
दोनों एक से गंदे होते हैं, मगर सफेद पर मैल दिखाई देता है, वो काले पर काला नहीं दिखाई देता, सफेद पर काला दिखाई देता है। वो जो शुद्धता है उस पर अशुद्धता दिखाई देती है। तो ये जितनी भी मलिनता दिखाई दे कि मेरे में बहुत विकार है, बहुत बुरे भाव है, ये जितने भी बुरे भाव दिखाई दे, तुरंत की चैतन्य ज्ञान की ऐसी निर्मलता है कि ये विकार का ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान की निर्मलता को सिद्ध करता है। और समझदार व्यक्ति निर्मलता की ओर दृष्टि करता है, निर्मलता मलिनता पर नहीं। ऐसा दूर से ऐसा सामने है ना, आग हो ने सामने आग है और यहां दर्पण है, प्रतिबिंब पड़ा, अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा दर्पण में, तो दर्पण जलाया नहीं, जला तो नहीं, थोड़ा गर्म भी नहीं हुआ, उसे कुछ भी नहीं, कैसा है दर्पण? हाँ, ये स्वरूप भगवान, ये बोलने का विकल्प, चलने का विकल्प, ये क्रोधादि विकल्प, ये अग्नि की भांति ये बाहर, और ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। जब जानने में आता है तो ऐसा ही ज्ञान दर्पण जिसे अनादिकाल से अनंत विकार के भाव भाए गए, वो बाहर में, मगर उसका प्रतिबिंब होने से जिसमें ज्ञान में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ऐसा हो, ऐसा उसका उससे फर्क नहीं पड़ा, उसका भाव थोड़ा समझो, दर्पण हो ने तो उसमें दर्पण, बड़ा दर्पण छोटा दर्पण, तो बड़ा दर्पण और छोटा दर्पण उसमें फर्क पड़ेगा कि बड़ा दर्पण है और छोटा दर्पण, ये छोटा बड़ा का तो फर्क पड़ा, मगर उसका जो स्वभाव है ना, स्वभाव में फर्क नहीं पड़ता बड़े और छोटे के कारण। ये समझा कैसे है कि सामने जो 100 कुर्सी पड़ी है और बड़े दर्पण में वहां 100 कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, और एक छोटा दर्पण यहां है जिसमें एक कुर्सी प्रतिबिंबित हो रही है, मगर वो जो दर्पण की स्वच्छता है, बड़े दर्पण की छोटे दर्पण की, वो स्वच्छता का स्वभाव, दर्पण का स्वभाव, उसमें कोई फर्क नहीं होता, स्वभाव में फर्क नहीं होता। ऐसे ही केवल ज्ञान रूपी दर्पण, ये ज्ञान दर्पण केवल ही भगवान का ज्ञान दर्पण, जिसमें संपूर्ण 100% न्याय प्रतिबिंबित होते, और निगोदिया का ज्ञान दर्पण जिसमें अक्षर के अनंतवा भाग प्रतिबिंबित होता है, मगर ज्ञान की जो स्वच्छता का स्वभाव, वो दोनों का एक समान है। स्वभाव, स्वभाव को कह रहा हूं, स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि छोटा दर्पण है तो उसमें कुर्सी अंदर जाने का प्रयास करेगी, बड़ा दर्पण है तो उसमें नहीं जाएगी क्योंकि वो कुर्सी डर जाएगी, यहां नहीं जाना, वो स्वभाव तो दोनों का एक सा, और इसलिए अनादिकाल से निगोद में था, अनंत विकार के भाव हुए, और फिर भी चैतन्य की नित्यता शुद्धता, शुद्धता को कुछ भी नहीं हुआ। हा, 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 उसका भाव, उसका भाव समझो, ये क्यों नहीं हुआ ना, उसका भाव तुम समझो। अनादिकाल से हो, जैसे आज शाम को 4 बजे किसी जीव को निर्विकल्प अनुभूति हुई, ये अनुभूति का स्वरूप, ये शास्त्र को पढ़ने से अकेला काम में नहीं आएगा, शास्त्र उपयोगी होगा मगर पूरा नहीं समझ में आएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा। दर्पण को साफ करने के लिए कपड़ा लेते, कपड़े से करते हैं या कागज से करते हैं? कागज ही लेते हो, कागज से, कागज काम में तो आता है, दर्पण कागज से दर्पण साफ होता है, मगर अकेला अकेला कागज वहां नहीं चला जाता, कोई जिंदा व्यक्ति भी चाहिए जो कागज से दर्पण साफ करे, वो जिंदा व्यक्ति वो गुरुदेव, और ये शास्त्र वो कागज हमारे ज्ञान दर्पण को साफ करने के लिए। लो ये दर्पण, दर्पण दर्पण अब तो इस देह में रक्त वहन हो तो भी चैतन्य के लिए सांसें भी चले, चैतन्य के लिए पसीना बहे, चैतन्य के लिए जागना, चैतन्य के लिए सोना, चैतन्य के लिए जीना, चैतन्य के लिए मरना, चैतन्य के लिए आज चैतन्य, अनंत काल तक चैतन्य, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज मुझे कोई ये कह रहा था कि आप पहले ऐसा सब समझाते थे, आज दूसरा कुछ समझाता हूं अब तो इस देह में रक्त वहन हो ये पता क्यों चला
सांसें चल रही है, ये पता कैसे चला तुम्हें? पसीना बहा, आंसू बहे, ये पता कैसे चला? ऐसी चैतन्य की ओर दृष्टि हो कि अब ये तो डिपार्चर लॉन्ज में बैठे हैं ना, ऐसे ऐसे है डिपार्चर लॉन्ज, एयरपोर्ट पे गए ना जाने से पहले, ऐसा गया, ऐसा ये ऐसा मुझे लगता है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दर्पण, शास्त्र की बात कर रहा था कि शास्त्र से ये पढ़ करके ये सब ऐसे समझ में नहीं आएगा उसका, कि ज्ञान दर्पण में उसका स्वरूप कैसा है। ज्ञेय जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं उसे ज्ञान की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, वो तो आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने कहा भी है, 10 कुर्सी हो और दर्पण एक हो, फिर 10 कुर्सी में से 20 हो जाए तो दर्पण कोई एक में से दो नहीं हो जाते, एक 20 हो जाए, 30 हो जाए, 100 हो जाए, दर्पण की संख्या एक ही रहती है। ये दो बात समझना, इसमें एक है वो ज्ञान स्वभाव की मुख्यता से और दूसरा है वो प्रमेयत्व गुण की मुख्यता से, इसका दोनों का भाव समझना। जय केवी रीते छास्वरू, पहली बात यह है कि दर्पण में 10 कुर्सी प्रतिबिंबित हो या 1 कुर्सी प्रतिबिंबित हो मगर दर्पण तो एक ही है। ऐसे ज्ञान में जितने ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं उन ज्ञेयों के कारण ज्ञान का स्वरूप बदलता नहीं, इसलिए क्योंकि केवल ज्ञान होता है, अनंत ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। केवल ज्ञान की पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद सबसे ज्यादा है, ये अनंत ज्ञेय ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं मगर ज्ञान दर्पण जो है केवल ज्ञान दर्पण वो स्वरूप तो एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, भेद रूप नहीं हो गया वो एक। अब दूसरी बात जो है ना वो खास महत्वपूर्ण है कि कुर्सी एक है और 100 दर्पण है, एक कुर्सी 100 दर्पण में प्रतिबिंबित हो तो कुर्सी की संख्या तो नहीं हो जाती कि 100 दर्पण में प्रतिबिंबित हो। पहली बात ये बताई कि 100 कुर्सी एक दर्पण में प्रतिबिंबित हो तो भी दर्पण तो एक ही रहता है, और दूसरी बात एक कुर्सी 100 दर्पण में प्रतिबिंबित हो तो भी कुर्सी तो एक ही रहती है। इसका मतलब क्या कि मैं ज्ञान दर्पण, मैं भगवान आत्मा अनंत केवल ज्ञानी के ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता हूं ना, मैं भगवान आत्मा अनंत केवल ज्ञानी के ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता हूं मगर मैं एक से दो नहीं हो जाता, मैं तो एक ही रहता हूं, ऐसा ये चैतन्य ये ज्ञान दर्पण है, ऐसा है। और यहां एक दर्पण है, यहां दर्पण है, ये कैसा है दर्पण, दर्पण ये दर्पण इस दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, ये दर्पण इस दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, दोनों दर्पण एक दूसरे में प्रतिबिंबित होते हैं मगर अपने अपने स्थान पर रहकर कोई बाधा नहीं पहुंचाते। ऐसे ही एक केवली का ज्ञान दर्पण दूसरे केवली के ज्ञान दर्पण में, दूसरे केवली का ज्ञान दर्पण पहले केवली के ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता है मगर अपने अपने सत्ता में, अपनी अपनी सत्ता में रह करके एक दूसरे में जाते नहीं, ऐसा हो ये दर्पण 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 दर्पण। सिकंदर था ना, सिकंदर को डायोजनीस ने दर्पण दिया था, ये एक बार ये चेहरा देख लो, तुम दुनिया को जीतने के लिए निकले हो ना, तुम्हारे जैसे कितने ही आए और गए, डायोजनीस
सिकंदर के साथ में मुलाकात हुई ना, दर्पण दिया, ये दर्पण जब भी ठोकर खाओगे तो याद रहेगा कि लो ये दर्पण तुम्हें दिया है, देख लो अपना चेहरा। मुझे भी ये विचार आया, डायोजनीस ने तो सिकंदर को दर्पण दिया, मैं तुम्हारे जैसे सिकंदरों को क्या दूं, मुझे आया कि ज्ञान दर्पण देता हूं। अरे देता क्या, वो तुम्हारे पास है भगवान, मैं क्या दूंगा तुम्हें, तुम तो खुद ज्ञान दर्पण है, तुम स्वयं ज्ञान दर्पण हो। ऐसा ये तो जिन जिन को समझ में आएगा ना, जितने इतना ये सब पॉइंट्स है ना, वो समझ में आएगा सबका सब, कब समझ में आएगा जब केवल ज्ञान होगा तब, उससे पहले नहीं, तो सबका सब तो तब समझ में आएगा, मगर केवल ज्ञान होगा कब, ज्ञान दर्पण को जाने बिना। दर्पण दर्पण, आजकल तो दर्पण देखने को ही नहीं मिलते। मैंने देखा है जहां जहां मैं एयरपोर्ट पे देखता हूं, लोग दर्पण लेकर के अब निकलते ही नहीं, मोबाइल का जो मोबाइल फोन है ना उसमें ही दर्पण आ गया, मोबाइल फोन में दर्पण आ गया। कैसा विज्ञान देखो, ये विज्ञान कैसा, मोबाइल में दर्पण आ गया, मोबाइल में दर्पण, मगर मोबाइल में दर्पण तो बाद में आया, मोबाइल में दर्पण ऐसा ज्ञान दर्पण में आया। ये ज्ञान में जाना ना किसी ने कि ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा विकल्प तो आया ना, पहले ये विकल्प आया कि मोबाइल में दर्पण हो, तो मोबाइल में दर्पण बाद में आया, मोबाइल में दर्पण ऐसा ज्ञान दर्पण में पहले आया। ऐसा है ये दर्पण की क्या आप तुलना करें, दर्पण दर्पण में तो मात्र रूपी पदार्थ ही प्रतिबिंबित होते हैं, मगर ज्ञान दर्पण ऐसा है रूपी और अरूपी सब प्रतिबिंबित होता है, ये ज्ञान दर्पण, ज्ञान दर्पण, ज्ञान दर्पण। जैसे जैसे तुम्हारा तत्व विचार चलेगा ना भगवान, ये तत्व विचार करते करते तुम्हें पर की महिमा, पुद्गल की महिमा, ये महिमा घटे। ये तो समझाने के लिए, समझने के लिए ये दर्पण को बीच में लाना पड़ा है, दर्पण, क्योंकि दूसरा कुछ दिखाई नहीं दिया, मैंने दर्पण को देखा और ये विकल्प आया। ये 3 और 4 सेकंड के बीच का ही समय, उसका ही पूरा ये 1000 जो ये विकल्प जो आया ना, ये उस समय का ऐसा एक एक रहस्य। हा हा रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले ये फूल है ना, यहां दर्पण में प्रतिबिंबित, तो फूल में वो स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, ये उसमें से सिर्फ रंग रंग ही प्रतिबिंबित होता है, उसमें गंध प्रतिबिंबित नहीं होती। दर्पण में वर्ण और वर्ण भी वर्ण की उस समय की पर्याय प्रतिबिंबित होती है, ज्ञान दर्पण ऐसा है स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ बाकी नहीं रहता, ऐसा दर्पण में तो ऐसा है, ऐसा प्रतिबिंब जब होता है, मगर स्पर्श रस गंध वर्ण, वो जो फूल का स्पर्श रस गंध वर्ण है दर्पण में, वहां कहीं पर भी नहीं है। ऐसा हो उसकी ज्ञान की अवस्था, ऐसा आकार जो होता है दर्पण का, जैसे चौरस दर्पण है तो चौरस दर्पण में सामने गोल गोलाकार ऐसा लड्डू है, तो लड्डू वो चौरस दर्पण में प्रतिबिंबित होने से वो दर्पण को लड्डू जैसा होने की जरूरत नहीं, वो अपना आकार जैसा है ऐसा ही रहता है, वो आकार की स्वतंत्रता। ऐसे ही ये आत्मा, आत्मा का जो आकार है ना, जिस ज्ञान का आकार, क्योंकि जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, जो ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं उससे
ज्ञान का आकार उस आकार में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्पण में दिखाई देने वाला मोर मोर है ही नहीं, वह तो दर्पण है। ज्ञान दर्पण में झलकते विकार विकार है ही नहीं, वह तो ज्ञान दर्पण ही है। ऐसा दर्पण भवन उपवन वन में पक्षपात नहीं करता, दर्पण का स्वभाव ऐसा। ऐसे ही ज्ञान दर्पण इसलिए भवन में रहने वाले भरत चक्रवर्ती को, उपवन में रहने वाले भरत चक्रवर्ती को, वन में विहार करने वाले भरत चक्रवर्ती जो मुनि हो गए, वो जो ज्ञान है ना, ज्ञान कोई पक्षपात नहीं करता। इसलिए जंगल में जब आत्मा की अनुभूति का जो आनंद है ना, वो आनंद कुछ ज्यादा चढ़कर के बढ़कर के आएगा ऐसा नहीं है। ज्ञान का स्वरूप तो वही है, क्वालिटी वही है। सातवें नरक में नारकी को सम्यक दर्शन हो और अतिंद्री आनंद प्रकट हो, क्वालिटी तो वही है। ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। अभी आंख से दिखाई देता है ना, अभी आंख को फोड़ दो कि अरे अब नहीं दिखाई देता, अब आत्मा का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये जागृति मेरा क्या होगा, वो कार्य चल रहा है ना, ज्ञान का कार्य। अरे अब मुझे आंखों से नहीं दिखाई देता, ये विकल्प तो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है कि मुझे आंखों से नहीं दिखाई देता, माने ज्ञान का जो सक्रिय होना, वो सक्रिय होना निरंतर है। कैसे? दर्पण कुछ करता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करके भी दर्पण सक्रिय है प्रति समय, उसमें वो प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित होने का कार्य वो प्रति समय हो रहा है। वैसे देखो तो दर्पण निष्क्रिय है, पैसिव होकर के भी वो एक्टिव है, ऐसे कुछ भी नहीं करता ऐसा, और फिर भी वो एक्टिव है। ऐसे ज्ञान दर्पण कुछ भी नहीं करता, अकर्ता अकर्ता होकर के भी एक्टिव है, जानना 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 तो कर ही रहा है। ये रहस्य है। दर्पण मनुष्य के मन की उपज है, ज्ञान दर्पण मानव और मन से पार अज है। दर्पण में दुकानदार के पास दुकान में दर्पण लेने गए, अब वो दुकानदार हो, अब उस भाव को समझो, जब ये लिखा गया था तब ये भाव आया था। ग्राहक के पास जब दर्पण आया तो दुकानदार के पास से ग्राहक के पास आया, दुकानदार के पास से ग्राहक के पास दर्पण आया, तो पहले था दुकानदार के पास और बाद में आया ग्राहक के पास, ऐसा पहले दुकानदार के पास था अब ग्राहक के पास में आया दर्पण, मगर दुकानदार के पास था तब और ग्राहक के पास आया तब, उस दर्पण को, उस दुकानदार की दुकान को छोड़ना और ग्राहक के घर पर जाना, वो उस दर्पण को क्या लेना देना, दर्पण मात्र को तुम देखो, दर्पण मात्र को, माने पुरानी जगह को छोड़कर नई जगह पर गया दुकानदार के पास, ग्राहक दुकानदार के पास से ग्राहक के पास जब गया, मगर दर्पण को क्या लेना देना, बस उस दर्पण की ओर ऐसा। ये अब जो पुरानी राह की दीवार को छोड़कर जब ज्ञान दर्पण नई राह की दीवार के पास जाता है, पुराने शरीर को छोड़ा, ये दुकानदार की दुकान में से निकला, अब दूसरे जगह पर गया तो दूसरे शरीर में गया, मगर दर्पण की स्वच्छता को कोई लेना देना नहीं। ऐसे ये तो एक बार हुआ ना दुकानदार से ग्राहक, फिर फूट गया, बात खत्म। ये तो अनंत बार ऐसे चक्कर काटे, अनंत बार जगह बदली,
राख की दीवार बदली ना, दुकान बदली, एक दुकान से दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, फिर भी दर्पण की स्वच्छता को कोई लेना देना नहीं। ऐसा मैं ज्ञान दर्पण, ऐसा मैं भगवान आत्मा। बस है आ पूछो आज ने आ तो कोई विरला ने रुचे, ये विरला ने रुचे, ये जितने बैठे ना ये सब सच्चे नहीं है, ये सब नाम के विरले तो कोई एकाध दो ऐसे, बाकी तो राजा रानी की कहानी सुनाओ। एक था राजा एक थी रानी, खाया पिया मौज किया, तुमने भी किया, जाओ। एक मात्र चैतन्य बस, और कुछ भी, अब कहीं पर भी चैन नहीं पड़ता। जो मैंने कहा ना ऐसा दर्पण का सपना आ सकता है, आज रात को आएगा ना सपना, तो दर्पण का आएगा, ज्ञान दर्पण का नहीं, क्योंकि सपने का विषय जो है ना वो चैतन्य नहीं बनता, वो तो जागृत अवस्था में ही दर्शन देता है, सपने में दर्शन नहीं देता, नींद में दर्शन नहीं देता, सपने में दर्शन नहीं देता। भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है ना, कि मुझे सपने में हो गई, सपने में हो गई, सपने में हो गई, अनुभूति भी सपना ही थी, तो फिर वो सच्ची नहीं थी, फिर सपने में हुई ना इसके लिए, वो तो जागृत अवस्था में। इसलिए दर्पण का सपना आ सकता है, ज्ञान दर्पण का सपना नहीं आ सकता, ये सब पॉइंट लिखे थे उसमें। दर्पण का सपना आ सकता है, दर्पण को इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, ऐसे इंद्रियों से, जैसे छुआ, चखा, सूंघा, देखा, ये सब ये इंद्रियों से वो दर्पण को, मगर ज्ञान दर्पण को न छू सकोगे, न सूंघ सकोगे, उसमें है ही नहीं वो लक्षण, कैसे होगा स्पर्श रस गंध वर्ण, ये ज्ञान दर्पण, ये ज्ञान दर्पण है। दुकानदार की बात आई थी ना, इसलिए ये बात लिखी थी, दर्पण बेचा जा सकता है, दर्पण को खरीदा जा सकता है, ज्ञान दर्पण को बेचा नहीं जा सकता, ज्ञान दर्पण को खरीदा नहीं जा सकता। ऐसा हो बहुत से जगह पे आपने देखा होगा, निर्धन परिवार वाले होते ना, ओ हमने तो ज्ञान दर्पण को भी बेचते हुए देखा है, कि बच्चे को बेच देते, छोटे छोटे बच्चे को बेच देते, ज्ञान दर्पण को बेचा, वो ज्ञान दर्पण को नहीं, वो भी राख की दीवार, ज्ञान दर्पण को तो बेचा ही, बेचने के लिए खरीदने के लिए देखना तो पड़ेगा कि किधर है, वो एक बार देखा कि बेचना, खरीदने का विकल्प भी नहीं रहता, देखना तो पड़ेगा ना ज्ञान दर्पण को, ऐसा मैं ज्ञान दर्पण हूं भगवान, ये ज्ञान दर्पण हूं, दीवार पे टंगा हुआ हूं, अभी तुम्हें जो दिखता हूं ना दीवार पे टंगा हुआ, खाली जगह तुम्हें वो कब नहीं कब दिखेगी, वो दिखेगी पीछे है ना, ऐसा खाली जगह है, दर्पण टंगा है दीवार पर मगर पीछे खाली जगह है, इतनी ओ इतनी जगह पड़ी है, इतनी जगह पड़ी है दर्पण और दीवार के बीच में, ऐसा भेद कि ये चैतन्य दर्पण, ये ज्ञान दर्पण, और जिस राख की दीवार पर ये टंगा हुआ उसके बीच में एक स्पेस है, एक खाली जगह, वो खाली जगह दिख जाना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन है, ये दर्पण ज्ञान दर्पण, ज्ञान दर्पण और शरीर, ऐसा ये तो बंधन में बंधे हैं, जेल में कारागृह में होते हैं ना, मैंने तो दुनिया की ऐसे ऐसे कारागृह को देखे हैं, यहां पर भी बहुत से लोग बैठे हैं जो मुझे कारागृह में लेके गए थे, चित्तौड़गढ़ के, फिर वो लुधियाना में, कि कई ऐसा अंबाला के कारागृह में, कितने कितने जगह पर, भारत में भी, वियतनाम में, अफ्रीका में, मुंबासा में, फिलीपींस में, कारागृह में जो कैदी होता है ना, कैदी को सजा, कारागृह में कैदी को दर्पण नहीं दिखाई देता, दर्पण मिलता ही नहीं, उनको दर्पण की सुविधा नहीं होती, दर्पण देखने की सुविधा कैदी को नहीं होती, सजा भोग रहा है ना अपराधी है, वो जैसे वो अपराधी कारागृह में होता है वो दर्पण को नहीं देख सकता, ऐसे ही मिथ्यात्व का अपराध
जिसके अंदर है वो ज्ञान दर्पण को देखने का अधिकारी नहीं है। कारागृह में बंधा है ना अभी, तो मिथ्यात्व के कारागृह में, वो दर्पण का ज्ञान दर्पण का दर्शन कैसे करेगा है? वहां तो अंदर सफोकेशन था ही, दर्पण जो न मरण तो अंदर सफोकेशन ऐसा ही है, ये चल रहा है दर्पण। मैंने ट्रेन की भी बहुत यात्रा की, 1000 यात्रा तो की उमराला से मुंबई की, मुंबई से उमराला की, 1000 टिकट है मेरे पास ट्रेन की, बहुत यात्रा की। मगर तब मुझे वो जो विचार आता था ना वो भी बात मैंने इसमें लिखी, एक वो ज्ञान की एक समय की पर्याय का स्वरूप कैसा है। आपने भी ट्रेन में यात्रा की होगी, ट्रेन में रेलगाड़ी में दर्पण होता है। रेलगाड़ी जब चलती थी, बहुत बार ऐसा होता था रेलगाड़ी चलती है और दर्पण भी यात्रा करता है साथ साथ में, दर्पण रेलगाड़ी के डिब्बे के साथ में। कभी कभी तो सेकंड क्लास 2 टायर ऐसे, 3 टायर ऐसे, तो वहां पर एक एक कोच में एक 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 केबिन में एक एक दर्पण रहता है, तो दर्पण भी यात्रा करता है। मगर जब मैं ट्रेन में से उतरता था ना, उतरता था तब भी ऐसा लगता था अभी मैं ऐसे ट्रेन में बैठा हूं और ट्रेन में दर्पण यात्रा कर रहा है अभी भी। ये ज्ञान दर्पण ये शरीर की ट्रेन में अभी भी यात्रा कर रहा है, दर्पण यात्रा करता है और हा, 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 मेरा स्टेशन आ गया है। वैसे रात को कोई देखते ही नहीं, अंधेरी रात होती है ना, कौन दर्पण में देखने जाता। अंधेरी रात होती थी, अंधेरी से चालू होती थी ट्रेन मेरी, अंधेरी रात, अंधेरी रात कौन देखता है। सीधा ही 2 दिन तक मुंबई में 16 घंटे 14 घंटे प्रवचन होते, बुधवार गुरुवार के दिन ये बैठे गवाह सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे लेकर 5 बजे से लेकर रात को 1 बजे स्त्री होती है कि चलो निकल जाते निकल जाते, 9 बजे तो महिलाएं निकल जाती, अरे हम तो स्त्री है हमको तो ज्यादा बैठना नहीं चाहिए, परिवारों की मर्यादा होती है ना, कैसी परतंत्रता कैसी गुलामी। फिर भी ये चैतन्य की पुकार तुम्हारे कान में पड़ी, निराश मत होना निराश मत होना, हे ज्ञान दीपक। अंधेरी से ट्रेन में बैठ कोई देखता नहीं दर्पण में ऐसे ही, मगर जैसे ही धोला धोला स्टेशन पे उतरना पड़ता, धोला आता उससे पहले एक स्टेशन आए ना, जो भी उतरने वाले लोग थे सब लोग कतार में रहते थे, दर्पण में देख लो एक बार ऐसा। जब अंधेरी रात थी तब देखा ही नहीं, सुबह हो गई ना लोग देखेंगे कैसा लगेगा चेहरा, बाल बाल बनाए कि नहीं बनाए ऐसा। तो जब सुबह होती थी और स्टेशन से जैसे ही अब उतरने का समय आ गया, अब ट्रेन में से उतरने का समय आ गया, देख लो दर्पण में ये ट्रेन में से अब उतरने का समय आया, तुम्हें लगता है कि मौत आई तो मौत आई देह में से निकलने से पहले, ज्ञान दर्पण में देख लो अनंत सिद्धों को कैसा लगेगा कि अरे तेरा भव तो गया। हाँ आऊ छे परदेश की एक बात मुझे स्मरण में आई थी, ये भी इसमें लिखी, दर्पण कोई दीवार बनाया जा सकता है। परदेश में देखा तो भारत में भी चालू हो गया, मगर परदेश में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ऐसी मिट्टी की दीवार नहीं होती, वहां दीवार को देखो तो दर्पण जैसी ही दीवार लगेगी, पूरा कांच की बिल्डिंग होती है ना, वो जो दर्पण था दर्पण को ही दीवार बना दिया, दर्पण को दीवार बनाया जा सकता है, ज्ञान दर्पण को राख की दीवार नहीं बनाया जा सकता, वो तो ज्ञान दर्पण ही रहेगा,
वो शरीर थोड़ी बनेगा कभी ऐसा। अब तो दर्पण में देखने का मन ही नहीं होता, छोड़ो, देखने जैसा कुछ लगता ही नहीं। अब तो दुख होता है दर्पण में देखते हैं तो ये विचार आया, तो ये लिखा था कि दर्पण दुखदायक नहीं है, दर्पण दुखदायक नहीं है, दर्पण की गैर समझ दुखदायक है। वो स्वरूप को नहीं समझा ना, दर्पण तो दर्पण है बस, दर्पण को दुखदायक क्यों मानते हो? ऐसे ही ज्ञान दर्पण दुखदायक नहीं है, ज्ञान दर्पण की गैर समझ दुखदायक है। ऐसा तबीयत बहुत खराब है अभी, इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकूंगा। ऐसा विचार आया था, अभी तो ठीक है तबीयत, उस समय जब ये लिखा गया तब मैंने किसी को बोला था वो बात, चिंता मत करना अभी बिल्कुल ठीक है। तब ये विचार आया था, एक आदमी ने पूछा तबीयत खराब है बीमार है, तब मैंने दर्पण होता है, दर्पण को बुखार आता है, दर्पण को जुखाम आता है, दर्पण को कुछ, दर्पण बीमार नहीं होता, ऐसे ही ज्ञान दर्पण कभी बीमार नहीं होता। दर्पण को दवाई डालो, अरे बीमार हो तो दवाई डालो ना, दर्पण बीमार नहीं होता। और एक गहरा राज है इसमें, दर्पण जो है वो दर्पण पिंड है, दर्पण है ना वो पिंड है, और ज्ञान दर्पण घन पिंड है। इन दोनों के बीच में थोड़ा अंतर समझो, बहुत गहरा राज है ये, इस राज के पीछे भी एक राज है। पिंड और घन पिंड, दर्पण जैसे है ना यहाँ, तो दर्पण जैसे ऊपर से नीचे गिरेगा ना तो फूट गया, बेर बिखेर हो गया। उसका कारण यह है क्योंकि दर्पण है ना अनंत परमाणुओं का पिंड है। एक बात समझना, जो अनंत परमाणु अलग अलग थे, ये जो दर्पण में परमाणु है सब बेर बिखेर थे, अनंत परमाणु अनादिकाल से ऐसे पिंड रूप में नहीं थे, ये पिंड बना, ये पिंड बना, इसलिए दर्पण को पिंड कहा। किसका पिंड कहा? अनंत परमाणु का पिंड कहा। पहले एक परमाणु यहां था, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, अब ऐसा, तो ये पिंड हो गया, ऐसा तो ये अनंत परमाणु का पिंड। और ज्ञान दर्पण जो है वो पिंड नहीं है, वो घन पिंड है। घन पिंड, घन पिंड माने इसमें तो है अनंत परमाणु मिलकर के एक बनना, और ये घन पिंड माने अनंत से मिलकर के नहीं बनना, वो एक का ही विस्तार होना। भले है ये पूरे में फैला, यहां पर ज्ञान दर्पण ज्ञान दर्पण ज्ञान दर्पण, मगर वो एक का ही विस्तार है, इसलिए घन पिंड कहा। ये घन पिंड हो, ये बात मुझे स्मरण में आई थी। घन पिंड आत्मसिद्धि शास्त्र में गाथा है, 117वीं गाथा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन घन, ये घन, ऐसा ज्ञान दर्पण घन है, कहीं अवकाश नहीं है ऐसा। इसलिए जो दर्पण है ना, दर्पण का तो ऐसा कर सकते, ये घन पिंड है, घन पिंड, दर्पण पिंड है, पिंड है ना, इसलिए कभी वो करवत लेकर के या तो कुछ ना कुछ ऐसे ना आरी हुई ना आरी, एनाथी करीन तमे आम करी करीन कापीन एक दर्पण ना बे टुकड़ा करीन नाख्या, एक એટલે તારા રૂમ માં રાખજે એક મારા રૂમ માં રાખું, એવી રીતે દર્પણ કામ માં લેવાય। જ્ઞાન દર્પણ કે દો ટુકડે કરકે કામ મે નહીં લે સકતે, થોડા ઇધર જાને થોડા ટુકડા કરકે ઉધર કા જાને, એસા નહીં હો સકતા, યે કી વો ઘન પિંડ હે, દર્પણ પિંડ હે, દર્પણ મે યે હો સકતા હે, જ્ઞાન દર્પણ મે નહીં હો સકતા। શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન, 117
116 देश की यात्रा पूरी हुई थी मिशन की, आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन। मैं बॉर्डर पर था, टोगो की बॉर्डर पर, 117वां देश घाना, मगर घाना का वीजा नहीं था, मगर मुझे वहां पता था कि वहां यदि आप रिक्वेस्ट करो तो जाने देते, ऐसा देश है घाना। उस समय यह विचार आया कि जाने देगा कि नहीं जाने देगा, 117वां देश। और तभी ये गाथा स्मरण मैंने, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, घन माने जी एच ए एन ए, घाना घन, ऐसा घन। हे कृपाणो देव, आत्मा यदि घन है ना तो 117वीं गाथा ये घन, वो घाना वाला मुझे जाने देना चाहिए, बस यदि घन है तो मैं मानू। और उसने जाने दिया था, अब तो पक्का घन है। और नहीं जाने देता तो, अरे तो भी घन है, वो जाने दे या नहीं जाने दे, वो उदय का परिणाम है, उदय का परिणाम। और ये स्वरूप, स्वरूप को क्या लेना देना उदय के परिणाम से, ऐसा कभी तुम मत करना कि मुझे खाना जाने दे तो मैं मानू घन, ऐसा नहीं। ये उदय का परिणाम है, उदय का परिणाम, और स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं। औदयिक भाव, परम पारिणामिक भाव, कोई संबंध नहीं। विज्ञान ने दर्पण को खोजा, ये भी एक वैज्ञानिक खोज है। दर्पण को किसने खोजा कि विज्ञान ने, उस समय ये विचार, विज्ञान ने दर्पण को खोजा और भेद विज्ञान ने ज्ञान दर्पण को खोजा, क्योंकि भेद विज्ञान के बल से आज तक जिन्होंने पाया, भेद विज्ञान के बल से पाया, वो तो विज्ञान बाहर की बात हो गई। विज्ञान से दर्पण, भेद विज्ञान से ज्ञान दर्पण, आज तक जो जीव सिद्ध हुए वो भेद विज्ञान के बल से हुए, आचार्य अमृतचंद्र देव, समयसार, समयसार कलश में ये कान, आज तक जो जीव, तथा कथित त्यागी, साधु बाबा होते हैं ऐसे, कभी कभी देखा हो साधु बाबा, कुंभ के मेले का दृष्टांत में देता हूं कि अपने पास में डिब्बा रखते, डिब्बे में दर्पण रखते और फिर भभूति लगाते ना, राख लगाते। तथा कथित त्यागी दर्पण को देखकर चेहरे पर राख लगाते हैं, ये तो तथा कथित, त्यागी दर्पण को देखकर चेहरे पर राख लगाते हैं, वितरागी संत ज्ञान दर्पण में देह को ही राख की दीवार के रूप में देख लेते हैं। राख लगाने की जरूरत क्या है, यही राख की दीवार ज्ञान दर्पण में देखते हैं। ऐसा ज्ञान दर्पण, दर्पण दर्पण ज्ञान दर्पण, दर्पण भेद विज्ञान, ऐसे करना भगवान। दर्पण की जो भी बात आई ना, दर्पण वो मैं नहीं, दर्पण है वो मैं नहीं, ज्ञान दर्पण वही मैं, दर्पण मैं नहीं कि दर्पण को क्या बोलते हैं, दर्पण को हिंदी में कहते ना आईना, आईना, आई माने मैं, ना माने नहीं, मैं नहीं, दर्पण माने मैं नहीं, आई ना, दर्पण माने आई ना, दर्पण माने मैं नहीं, ज्ञान दर्पण माने आई, आई मैं चैतन्य दर्पण, पर से अपने में आना। आज सुबह वही विचार आ रहा था, पर से, पर माने यू, आई माने मैं। जब मैं आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए से इंडिया आ रहा था, तब ये विचार आ रहा था
यूएसए का यू, यू माने पर, इंडिया का आई, आई माने स्व, पर से स्व में आ रहा हूं, यू से आई में आ रहा हूं, यू से आई में बहुत अवसर है, यह अवसर भगवान, यह पूर्व अवसर है, ज्ञान दर्पण तो बस कल सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करेंगे। ये भूमि मैं जानता हूं, इस भूमि के लिए कल कुछ गहरे राज है जो इस भूमि में मैं बताऊंगा। कल हम सुबह शिखर की यात्रा करेंगे, अब तो शिखर बोलता हूं ना ऐसा ही विचारता है, चैतन्य शिखर की यात्रा करेंगे, वो तो बाहर के शिखर की बात भी, कल शिखर की यात्रा करेंगे। 6 बजे यात्रा प्रारंभ होगी, सीधा ऊर्ध्वगमन, इसलिए 6 बजे का समय निश्चित किया है। छोटा काटा 6 पर, बड़ा 12 पर, सीधा ऐसा, इसलिए 6 बजे। हाँ, सब एक एक के पीछे कारण है जो समय निश्चित किए है सब, और आज बताऊंगा आपको भाव क्या क्या आए थे उस समय। 6 बजे कल, 7 जून का दिन है, आ जगत आखु क्षणिक छे ने आत्मा एक नित्य छे, आत्मानो अनुभव बस एक मात्र नित्य छे। ये रचना इसी पावन भूमि पर हुई थी। आ जगत आखु क्षणिक छे ने आत्मा एक नित्य छे, आत्मानो अनुभव बस एक मात्र नित्य छे। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है। The whole world is transient, only the soul is eternal, realization of one's own soul, only that is eternal. आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर ध्यान पूर्वक सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, ऋण रहा आपका मुझ पर, मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
हाँ।